डिफेंस दुनिया के इस वीडियो में हम जानेंगे अमेरिका की UGM 133 ट्रिडेंट 2 और रसिया की R-29 RMU-2 लाइनर मिसाइलों के बारे में। तो चलिए जानते हैं इन दोनों खतरनाक मिसाइलों के बारे में आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। UGM 133 ट्रिडेंट 2 एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, वहीं रसिया की R-29 भी एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। UGM को 1990 में सेवा में लाया गया था, वहीं रसिया की R-29 को 2014 में सेवा में लाया गया। अमेरिका की UGM 133 को लॉकहीड मार्टिन स्पेस एंड सिक्योरिटी कंपनी द्वारा बनाया गया है, वहीं रसिया की R-29 को क्रासनोयास्क मशीन बिल्डिंग कंपनी द्वारा बनाया गया है। अमेरिका की UGM 133 को अमेरिकन नेवी और यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, वहीं रसिया की R-29 को रशियन नेवी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अगर UGM 133 की वजन की बात करें तो इसका वजन 59,000 किलोग्राम है, वहीं इसकी लंबाई 13.579 मीटर, डाया 2.11 मीटर है। वहीं रसिया की R-29 के वजन की बात करें तो इसका वजन 36,287 किलोग्राम है, वहीं इसकी लंबाई 15 मीटर और डाया 1.9 मीटर है। अमेरिका की UGM 133 की ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो यह 12,000 किलोमीटर दूर तक वार कर सकता है, वहीं इसकी रफ्तार 29,020 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं रसिया की R-29 की ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो यह 12,000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। इसकी रफ्तार की जानकारी रसिया के द्वारा साझा नहीं की गई है। UGM 133 में मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाए जा सकते हैं, वहीं रसिया के R-29 के वॉरहेड में 4 500 किलो टन की या फिर 1200 किलो टन की मल्टीपल थर्मो न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाए जा सकते हैं। अमेरिका की UGM 133 को शक्ति प्रदान करने के लिए इसमें 3 अलग अलग वेरिएंट में 3 अलग अलग इंजनों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कि 3 सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर इंजन या फिर फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज हरक्यूलिस सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन या थर्ड स्टेज यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं रसिया की R-29 RMU-2 को शक्ति प्रदान करने के लिए 3 स्टेज लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। UGM 133 में लगे हुए गाइडेंस सिस्टम्स की बात करें तो इसमें MK-6 एस्ट्रो इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम लगाए गए हैं, जो कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम अपडेट्स देने का काम करते हैं। वहीं रसिया की R-29 लीनियर में लगाए गए गाइडेंस सिस्टम की बात करें तो इसमें एस्ट्रो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के साथ ग्लोनेस का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि उसके पोजीशन को बताने में मदद करती है। अमेरिका की UGM 133 ट्रिडेंट 2 को सबमरीन से लॉन्च किया जाता है, वहीं रसिया की R-29 RMU-2 लीनियर को रशियन नेवी की डेल्टा 4 क्लास सबमरीन के द्वारा लॉन्च किया जाता है। अमेरिका की UGM 133 ट्रिडेंट 2 को बनाने की लागत $30.9 मिलियन की है, जो कि भारतीय रुपीज में लगभग 241 करोड़ है। वहीं रसिया के R-29 के लागत की जानकारी साझा नहीं की गई है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आगे शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर लें, और नीचे कमेंट कर यह जरूर बताएं कि आपको इन दोनों मिसाइल्स में सबसे ज्यादा खतरनाक मिसाइल्स कौन सी लगी। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।